हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडीज। आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीसेट पेपर टू। और आप सभी लोगों को पता है कि रेगुलर क्लासेस हम ले ही रहे हैं, आप लोगों के रेगुलर हम ये भी ले रहे हैं। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सीसेट पेपर टू डिस्कस करेंगे और 8 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम पेपर सेट। तो रेगुलर ये सीरीज आपके लिए आती रहेगी जब तक आपका एग्जाम होगा। ठीक है, बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए, इसको देखकर जाइए सही तरीके से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे भाई, है ना। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एना वॉज बॉर्न 4 ईयर्स आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। अपने जो माता पिता हैं उस उनकी दोनों की शादी के 4 वर्ष के बाद जो है एना का जन्म हुआ था। हर मदर इज 3 ईयर्स यंगर देन हर फादर, मतलब उसके माता जो है उसके पिताजी से जो है वो 3 साल छोटी है। ठीक है, एंड 24 ईयर्स ओल्डर देन एना, और एना से उसकी मम्मी जो है वो 24 साल बड़ी है। एंड हु इज 13 ईयर ओल्ड, और एना की आयु जो है वो 13 वर्ष की है। एट वॉट एज डिड एनाज फादर गेट मैरिड, एना के फादर की किस एज में शादी हुई थी। देखो एक चीज समझना बस यहाँ पे तुम, के एना पैदा होती है शादी के 4 वर्ष के बाद। जहाँ पे अगर शादी होती है और शादी के बाद की अगर मैं बात करूं तो ये टाइम स्पेन जो आता है वो 4 वर्ष का आता है। 4 वर्ष के बाद जो है वो एना पैदा होती है, ये बात समझ में आ रही है। 4 वर्ष बाद एना का जन्म होता है। ठीक है, और जब एना का जन्म होता है उस टाइम एना की मदर की जो एज होगी वो 24 वर्ष होगी। हाँ के ना, क्योंकि एना की माता जो है वो एना से 24 वर्ष बड़ी हैं। 24 वर्ष का मतलब है कि हमेशा 24 साल बड़ी रहेंगी। जिस टाइम एना पैदा हुई होगी उस टाइम वो ऑलरेडी 24 साल की होंगी। जिस टाइम एना पैदा हुई होगी उस टाइम वो कितने साल की रही होंगी, 24 वर्ष की। इसका मतलब क्या है कि 4 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो वो 20 वर्ष की रही होंगी। भाई शादी के टाइम पे कितना, 4 वर्ष पहले शादी हुई थी तो शादी के टाइम पे उनकी आयु क्या रही होगी, 20 वर्ष। और अगर उनकी आयु 20 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी होगी भाई, पिता माता से कितने बड़े हैं, 3 वर्ष का गैप है। तो 20 साल की तो उसकी माता की आयु है और 3 साल उसके पिता बड़े हैं, तो उसके पिता की आयु कितनी आ जाएगी भाई, 23 वर्ष। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियरिटी आ जाएगी, क्लियर होगा, कुछ नहीं है खास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई क्या कह रहा है ये हमसे, ओके ये कह रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक सिद्धांतकारों को अन्याय जैसे कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता की बात कर रहा है, अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं, अस्पृश्यता के इतिहास को गंभीरता से लेना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में डिस्कस चल रहा है यहाँ पे। एक अन्याय माना है अनटचेबिलिटी को, है ना। ऐतिहासिक अन्याय की अवधारणा में अनेक प्रकार के ऐतिहासिक अपकारों को विचार में लिया गया। अपकार से यहाँ क्या मतलब है, जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहे हैं। ठीक है, जैसे अस्पृश्यता एक ले लिया, उसी तरीके से बात कर रहा है। अपकार का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन कितने कितने चल रहे हैं। ऐतिहासिक अपकारों को विचार में लिया गया है जो किसी ना किसी रूप में वर्तमान में भी हो रहे हैं। ठीक है भाई, और इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि उसमें सुधार ना हो पाए। इनकी प्रवृत्ति को जिस तरीके से डिजाइन हो गई है, इस तरीके से रूट कर गई है ना, जड़ों में घुस गया है जिस तरीके से, कि अब वो सुधार भी नहीं हो पा रहा, चाहकर भी सुधार नहीं हो पा रहा, कोशिश कर रहे हैं। सुधार ना होने देने के पीछे 2 बड़े कारण हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक कारण क्या है, पहला कि केवल इतना ही नहीं कि अन्याय की जड़ें इतिहास में गहरी जमी हुई है, ठीक है, बल्कि अन्याय स्वयं भी शोषण की आर्थिक संरचनाओं, भेदभाव की विचारधाराओं और प्रतिनिधित्व की रीतियों को संरचित करता है। ठीक है, पहला कारण है ये। ठीक है, दूसरा कारण देखो, दूसरा यह है कि ऐतिहासिक अन्याय की कोटि जो डिग्री होती है, जो कि इसका इफेक्ट होता है, आमतौर पर बहुत से अपकारों जैसे कि आर्थिक वंचन जानते हो, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन जिसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हो। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित होना, मतलब कि कोई चीज है अवेलेबल लेकिन हमको नहीं मिल पा रही है तो हम उससे वंचित हैं। ठीक है, सामाजिक भेदभाव, सब जानते हो सामाजिक भेदभाव, मान्यता का अभाव,
आर पार फैली होती है, ठीक है। बहुकोटी जटिल है केवल इसलिए नहीं कि इसमें बहुत से अपकारों के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती, बल्कि इसलिए कि किसी ना किसी अपकार की आमतौर पर भेदभाव की प्रवृत्ति दूसरे अपकारों से आंशिक रूप में स्वायत्तता हासिल कर लेने की होती है। यह भारत में सुधार के इतिहास से सिद्ध हुआ है। मैं इसका आपको मतलब समझाता हूँ, है ना। लास्ट लाइन का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार लोग बात कर रहे हैं बैठ के, चार लोग अगर बैठ के जब बात कर रहे हैं, आप तीन लोग मिलके किसी एक को टारगेट कर लेना, उस एक को टारगेट करना और बार बार कहना भाई तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, उसको नीचे दिखाने की कोशिश करना, डिप्राइव वंचित कर देना उसको, नीचा दिखाना उसको, उस पर अधिकार जमाने की तरह। यानी कि हम क्या कोशिश करते हैं, दूसरे को अगर हम वंचित कर रहे हैं चीजों से तो अपनी स्वायत्तता स्थापित कर रहे हैं, अपने आप को उसके सुपीरियर बना रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ये कहना चाह रहे हैं ये लोग। इसीलिए इतनी डीप रूटेड है ये सारी चीजें, चाहकर भी इनको निकाल नहीं पा रहे हैं। भाई एक बात बताओ, अगर मुझे बहुत ज्यादा प्रिविलेज है और सामने वाले को प्रिविलेज नहीं है, तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा उसको प्रिविलेज मिले। तो ये टेंडेंसी डेवलप हो चुकी है, इस टेंडेंसी के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ वो क्या है कि जब भी हम पैराग्राफ सॉल्व करते हैं तो अपनी तरफ से कंक्लूजन नहीं बनता, याद रखना, अपनी तरफ से कंक्लूजन नहीं बनता है। जो हमको पैराग्राफ में दे रखा होता है और जितना दे रखा होता है उतना ही करना है आप लोगों को, उतना ही करना होता है। जैसे कि मैंने कल भी एक बात बोली थी, जब हम मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें आंसर पर वही लिखना है जो पूछा गया है, फालतू की बकवास नहीं लिखनी, अपनी ज्ञान को वहां पर जाके नहीं उकेरना है। और वही चीज यहाँ पर है, जितना पैराग्राफ में दे रखा है उसी के आधार पर कंक्लूजन निकालना होता है, उसी के आधार पर निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ, क्या कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन है इसमें और ये सेकंड क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। कह रहा है कि इस परिच्छेद से कौन सा मुख्य विचार अनुगत होता है। पहला कि भारत में अस्पृश्यता को राजनीतिक सिद्धांतकारों ने गंभीरता से नहीं लिया। देखो पहली बात तो आप ये समझना, अस्पृश्यता यहां पर एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है भाई, सिर्फ यही थोड़ी है, इसके अलावा भी तो बहुत सारी कुरीतियां हैं, इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है इन लोगों ने, समझ में आई बात। दूसरी चीज एलिमिनेट करने की बात बता रहा हूँ, किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन करना होता है हम लोगों को, ठीक है। दूसरी चीज ये देखना है, ऐतिहासिक अन्याय किसी भी समाज में अपरिहार्य और सुधार से सदैव परे, ये गलत बात है बिल्कुल। अगर इनमें सुधार नहीं होता तो बहुत सारी चीजों में सुधार ना आया होता। डोरी सिस्टम है, बाल विवाह है, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखी है, सती प्रथा थी, इन सब चीजों में सुधार हुआ है ना समय के साथ में, तो सुधार तो होता है, लेकिन इनकी रूट्स बहुत मजबूत होती है तो इनको सुधार करना मुश्किल हो जाता है, समझे बात को, इनको सुधार करना मुश्किल हो जाता है, वही बात कर रहा है। दूसरी चीज, तीसरा ऑप्शन पे आओ, सामाजिक भेदभाव और वंचन की जड़ें दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था में, सिर्फ अर्थव्यवस्था से मतलब नहीं है अर्थव्यवस्था से मतलब, ये सामंतवादी सोच भी हो सकती है, ये बहुत सारी चीजें हो सकती है, समझ में आ रही है आपके बात। तो ये तीनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, सिरे से खारिज हो गए, तो एक ऑप्शन बचता है और वो है ऑप्शन नंबर डी जो कि हमारा उत्तर बनेगा। ऐतिहासिक अन्याय की प्रत्येक अभिव्यक्ति का सुधार करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य, क्योंकि अगर तीन गलत हो गए हमारे हिसाब से तो चौथा ऑप्शन ही हमारा सही होना चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्रयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। पहली क्या है, आर्थिक भेदभाव मिटा देने से सामाजिक भेदभाव मिटता है। क्या कहीं इस तरह की बातें थी इसमें, बिल्कुल नहीं थी, कहीं इस तरह की बातें थी पैराग्राफ में। देखो थोड़ा बहुत तो पैराग्राफ याद रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि फिर आप दोबारा पढ़ने जा रहे हो, कोई एक चीज पहले एक बार पढ़ ली फिर उसको दोबारा पढ़ रहे हो, तो इट विल टेक योर टाइम एंड यू विल किल योर टाइम एक्चुअली इफ यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो अपना समय बर्बाद ना करना सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। सेकेंड ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक राजव्यवस्था ऐतिहासिक अपकारों के सुधार का सबसे अच्छा मार्ग है। क्या कहीं पर भी इसमें लोकतंत्र की बात की गई है, क्या पूरे पैराग्राफ में लोकतंत्र कहीं यूज हुआ है क्या, मुझे इतना बता दो आप लोग, पूरे पैराग्राफ में कहीं लोकतंत्र की बात नहीं हुई, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी ही यहां पर भी करेक्ट होगा। आई बात समझ में, उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाया, और जिनको नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके देख लेना इसको, ठीक है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, राकेश हैड मनी टू बाय 8 मोबाइल हैंडसेट। राकेश के पास 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने की मनी है, पैसा इतना है कि वो 8 मोबाइल खरीद सकता है, लेकिन होता क्या है कि जो उसका रिटेलर है दुकान पर जाता है तो उसको छूट देता है, और वो 8
जितने में 8 हैंडसेट खरीदता उतने में 10 खरीद के ले आता है अपने पास। तो कहता है कितने परसेंट की छूट दे रहा है वो दुकानदार। तो देखो बहुत सिंपल सी चीजें होती है, समझना होता है बस थोड़ा सा कि मेरे पास थे 8 मोबाइल, ठीक है, के खरीदने लायक पैसे, मेरे पास 8 मोबाइल के खरीदने लायक पैसे हैं, और मैं गया दुकानदार के पास, तो दुकानदार ने खुश होकर मुझे कितने दे दिए, 10। दुकानदार ने खुश होकर मुझे कितने दे दिए, 10। 8 की बात हुई थी, 2 एक्स्ट्रा लेकर आया हूं, 8 की बात हुई थी लेकिन 2 एक्स्ट्रा लेकर आया हूं। बात आई समझ में? 2 मोबाइल एक्स्ट्रा लेकर आ गया अपने पास, इसका मतलब क्या है, कितने छूट मिल रही है और कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ध्यान देना, 8 पर 2 की छूट है, मैं 8 खरीदूंगा तो दुकानदार मुझे 2 फ्री देगा, 8 में खरीदूंगा दुकानदार मुझे कितने फ्री देगा, 2 फ्री देगा, है ना। अब दूसरी चीज क्या है समझना ध्यान से, राकेश उसके पास जो रकम थी उससे 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद के लेकर आया है, रिटेलर से क्या डिस्काउंट ऑफर दिया है रिटेलर ने उसको, कि 8 खरीद भाई, 2 तो मैं मुफ्त दे दूंगा तुझे, ठीक है। तो रिटेलर के पास से दुकानदार के पास से कितने मोबाइल जा रहे हैं, 10, और उसमें से फ्री कितने हैं भाई, 2, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, 20% का डिस्काउंट हो गया, 2/10 कितना होता है, 20% होता है, 2/10 × 100 कर देना, 20% का डिस्काउंट, ठीक है, 20% का डिस्काउंट हो जाएगा, 10 पे 2 फ्री, ठीक है। दुकानदार के पास से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट कौन दे रहा है, दुकानदार दे रहा है, राकेश नहीं ले रहा है, दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है, तो दुकानदार 10 पे 2 फ्री दे रहा है, 100 पे कितने देगा, 20, यही हमारा आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे, देखो भाई क्या कह रहा है, शिक्षा जीवन में जो है महान बदलाव लाने की भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही सत्य वचन है इनके, शिक्षा जो है जीवन में महान बदलाव लाने की भूमिका निभाती है, खासकर तेजी से बदलते और वैश्वीकरण की तेज गति वाले विश्व में। वैश्वीकरण जानते हैं सब लोग, ग्लोबलाइजेशन होता है, बहुत ही फैमिलियर टर्म है, जहां संपूर्ण विश्व एक गांव की तरह व्यवहार करने लग जाए वहीं उसी को वैश्वीकरण कह देते हैं, व्हेन द होल वर्ल्ड बिहेव्स लाइक अ विलेज दैट इज कॉल्ड वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। विश्वविद्यालय जो होते हैं, यूनिवर्सिटी जो होती है, बौद्धिक पूंजी के अभिरक्षक और संस्कृति तथा विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान के प्रवर्तक हैं। बहुत अच्छी बात है ये। देखो बौद्धिक पूंजी समझो पहले, तो बौद्धिक पूंजी क्या होती है, आपके आइडियाज, योर आइडियाज, वीपो का नाम तो सब लोगों ने सुना हुआ है ना, वो क्या कहता है, बौद्धिक संपदा वाली जो चीजें देता है ना आपको, ट्रेडमार्क जो प्रोवाइड करता है, तो आपकी बौद्धिक पूंजी है वो, ठीक है। तो ये इनोवेशन होते हैं आपके, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये बौद्धिक पूंजी के अभिरक्षक विश्वविद्यालय हैं, जो कि संस्कृति तथा विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान के प्रवर्तक भी हैं। संस्कृति चिंतन की क्रियाशीलता और सौंदर्य तथा मानवीय भावनाओं की ग्रहणशीलता होती है, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इनको थोड़ा समझना होता है। संस्कृति चिंतन की क्रियाशीलता और सौंदर्य तथा मानवीय भावनाओं की ग्रहणशीलता होती है। केवल बहुत सी जानकारियों से युक्त व्यक्ति ईश्वर की धरती पर सिर्फ एक उबाऊ इंसान भर है। कितनी बढ़िया बात है, केवल बहुत सी जानकारियां रखने वाला व्यक्ति ईश्वर की धरती पर सिर्फ एक उबाऊ इंसान भर है। अभी उसको संस्कृति का आइडिया नहीं है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति तैयार किए जाएं जिनके पास संस्कृति और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान दोनों हो। बहुत बढ़िया, उनका विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा, और उनकी संस्कृति उन्हें दर्शन की गहराइयों और कला की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। साथ मिलकर यह मानवीय अस्तित्व को अर्थ प्रदान करेगा। देखो सिर्फ पढ़ लिख कर बात नहीं बनेगी। पहली बात तो आप ये समझना कि अगर हम संस्कृति की बात करें तो हम जिस भी संस्कृति के जुड़े हुए लोग हैं, अपने कल्चर और अपने रूट्स को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आपने अपने बड़े बूढ़ों से एक बात सुनी होगी, अपने रूट्स को मत छोड़ना भाई, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान अपने गांव की बात कभी नहीं भूलता, क्योंकि गांव एक प्रारंभिक ऐसी जगह होती है जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं, हमारी रूट्स वहां पर होती है, वहां संस्कृति होती है। संस्कृति ऐसी होती है कि हम उसमें ढल जाते हैं, ठीक है। वो हमारी पहचान होती है, हमारे आइडेंटिफिकेशन है उस संस्कृति से। तो जब तक हमें संस्कृति का आइडिया नहीं होगा, तो अगर हम पढ़ लिख गए अपनी संस्कृति को हम नहीं मानते, तो हमारा अस्तित्व नहीं है, एक उबाऊ इंसान की तरह हो जाओगे, जो कि इसमें बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है भाई ये, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं हैं बनाई गई हैं, तो इनमें से आपको बताना है। क्या कह रहे हैं, सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता। देखो कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया, कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि आधुनिक समाज नहीं बनेगा सुशिक्षित व्यक्तियों के बिना। इसमें
पैराग्राफ, मैंने फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, पैराग्राफ में जो दे रखा होता है सिर्फ उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना है हम लोगों को, ठीक है? तो नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा, बाकी ये बात हो सकती है, आप लोग सोच सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आप लोगों के सोचने से नहीं होगा, पैराग्राफ में जो दे रखा होगा वही होगा। संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं होती, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा केवल तो करेक्ट है, संस्कृति की बात आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने की, संस्कृति के बिना शिक्षा पूर्ण नहीं है, आप संस्कृति है तो सब कुछ है, ये इन्होंने बोला है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40, 100 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 40 हैं। इट वॉज फाउंड लेटर दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 विच वर मिसरीड एज 83। ओके गुड, तो द करेक्ट मीन मार्क्स, ये कह रहा है कि 100 विद्यार्थी के औसत अंक 40 है, बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक 53 था जिसे भूल से 83 पढ़ लिया, तो संशोधित औसत अंक कितने होंगे? तो यहाँ पर एक चीज नोट करनी सब लोगों को, है ना, एवरेज का बेसिक मीनिंग तुमको समझाता हूँ आज मैं थोड़ा सा। एवरेज क्या होता है भाई, एवरेज क्या होता है, एवरेज से आप क्या समझते हो? देखो एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि औसत जो होता है, औसत को हम बोलते हैं एक समान वितरण, एक समान वितरण। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन ही यही है। आप देखो पर कैपिटा इनकम की बात करता हूँ, प्रति व्यक्ति आय की अगर मैं बात करूँ तो प्रति व्यक्ति आय मान लो 12,000 रुपए है, ठीक है? एग्जाम्पल मान लेते हैं प्रति व्यक्ति आय 12,000 रुपए है, तो क्या 12,000 रुपए, तो क्या 12,000 रुपए प्रति व्यक्ति की आय है? नहीं, ऐसा तो नहीं, किसी के अरबों में करोड़ों में आय है, किसी की जीरो भी है, और किसी की 200 रुपए भी आए है, किसी की 100 रुपए भी आए है। तो एक पूल बनाया, उसके अंदर सारे पैसे डाले गए, और फिर जितने आदमी थे उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एवरेज इनकम निकल के आ गई। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एवरेज होता है, समझ गए बात को? परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं अपने क्वेश्चंस के में कि भाई मैं 60% लाया हूं, तो पेपर में अगर 60% लाया हूं तो इसका मतलब क्या है? हर सब्जेक्ट में कम से कम 60% लाया हूं कि नहीं लाया मैं? एग्रीगेट परसेंटेज 60% होगी तो एक समान वितरण हो गया कि नहीं हो गया? तो एवरेज का एक्चुअल मीनिंग यही होता है। तो एक्चुअल में वो नंबर था 53 और हमने पढ़ा उसको 83, एक्चुअल में नंबर था 53 और हमने पढ़ा उसको 83, इसका क्या मतलब है भाई कि 83 पढ़ लिया 53 की जगह, यानी कि 30 ज्यादा पढ़ लिया, समझे बात को? 30 ज्यादा पढ़ा प्लस 30 कर दिया हमने, और जैसे ही 30 ज्यादा पढ़ा तो एवरेज ज्यादा आएगा, यही बात आपको थोड़ी सोचनी है। एवरेज अगर ज्यादा आएगा तो 40 से जितने भी कम ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन मेरे पास 40 से, देखो ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे, इन दोनों में से कोई ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, 30 का फर्क पड़ा है, तो ये 30 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना 100 बच्चों पे, टोटल कितने बच्चे हैं 100, तो कितना मिल जाएगा 0.3, यानी कि हर एक पर कितने कितना कम हो जाएगा एवरेज, 0.3 कम हो जाएगा, 0.3। तो पहले 40 था उसमें से माइनस कर देना 0.3, कितना मिल जाएगा 39.7, कितना मिल जाएगा 39.7। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा ना वो करेक्ट हो जाएगा अपना आंसर। एक तरीका, पहला तरीका बताया जो मैंने, क्योंकि हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं भाई, अगर एवरेज मार्क्स 40 है तो हर बच्चे को 40 40 40 40 40 दे दिए, और 30 नंबर अगर ज्यादा थे तो 30 नंबर अगर मुझे कम करने तो हर एक पे 30 के हिसाब से कम करोगे तो 100 बच्चे हैं, 30 कम करने पूरे 100 पे, तो हर एक पे कितना कम करोगे 0.3, तो 40 में से 0.3 निकालो, आंसर आ जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक और मेथड है, सेकंड मेथड, ऐसे मत सोचना कि सर ये क्या बता दिया, एक सेकंड मेथड भी है उससे समझने की कोशिश करना। सेकंड मेथड क्या कहता है, देखो टोटल कितना हो जाएगा, 40 है एवरेज 100 बच्चों का, कितना मिलेगा मुझे 4000, ठीक है? हमने पढ़ा 83 लेकिन था वो 53, तो 83 इसमें से माइनस करना है और 53 अगर इसमें ऐड करना है तो 4000 में से 30 माइनस कर देना तो मैं 3970 मिल जाएगा, टोटल कितना मिल जाएगा 3970, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 100, तो 3970 को कितने से डिवाइड कर दोगे भाई, 100 से डिवाइड कर देना, कितना मिल जाएगा 39.7, कितना मिल जाएगा अपने को 39.7 एवरेज मिल जाएगा। इस तरीके से जाके भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, देखो ये दे रहा है, ये सीरीज है, इस सीरीज में
एक सीरीज बना के दे रखी है, एक लास्ट का नंबर एक्स दे रखा है, तो हमको ये बताना है कि एक्स की जगह पे क्या आएगा। तो थोड़ा समझ लेते हैं ना एक बार इसको, देखो क्या कह रही है सीरीज, पहले सीरीज को देखा करो। ये है, एक सेकंड कलर दूसरा ले लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, और क्लैरिटी आ जाएगी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है भाई, -3। 129 और 124 में डिफरेंस कितना है, -5। 124 और 117 में डिफरेंस कितना है, -7। 117 और 106 में कितने का डिफरेंस है, 11 का। इसमें डिफरेंस कितने का, दोनों में 13 का। तो अब यहाँ एक्स की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, ये हमसे पूछ रहा है। सही है। अब आगे बस में सीरीज के क्वेश्चन है छोटे से, बस एक चीज सोचो, 3, 5, 7, 11, 13, ये ना तो ये ऑड नंबर सीरीज है, विषम संख्याओं की सीरीज नहीं है, ये है प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर है सारे के सारे, प्राइम नंबर, या इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर है ये, या इनको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है सारे के सारे, ठीक है, क्लियर बात है। तो अभाज्य संख्या जो है ना, वो माइनस हो रही है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो या तो एक से कटती है या उस स्वयं संख्या से कटती है। जैसे मैंने कहा कि 61 या तो एक से कटेगा या खुद 61 से कटेगा। जैसे मैंने कहा 19, 19 या तो एक से कटेगा या 19 से कटेगा। अगला नंबर जो आएगा 13 के बाद में कौन सा आएगा, 17 आता है, प्राइम नंबर होता है 17। 93 में से 17 निकाल दो, कितना मिल जाएगा, 76 आ गया आंसर। अच्छा एक चीज और मैं तुम लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ, देखो पैराग्राफ हम लोग सॉल्व जरूर कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन में देख रहे हो टाइम लगता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन विल टेक योर टाइम, तो उसकी जितनी प्रैक्टिस करो उतना है। दूसरी चीज मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, अगर रीजनिंग और ये मैथ्स वाला पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो क्वालिफाई तो वैसे ही हो जाएगा यार, है ना। तो क्वालिफाई तुम इसी से कर सकते हो, ये सिंपल होते हैं, जल्दी हो जाते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लो, ये जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के चक्कर में पढ़ोगे तो वहां तुम्हें लगेगा टाइम ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट नहीं करना, अपने को अटेम्प्ट तो करना है सब कुछ, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाई सब कर जाओगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है ना। लेकिन फिर भी मैं एक अपना सजेशन देता हूँ, पर्सनल सजेशन यही है कि देखो रीजनिंग और मैथ्स दो चीजें थोड़ी सी कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा आराम से, फिर तुम्हारे दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी, है ना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है उनसे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मृदा जिसमें हमारे लगभग सभी खाद्य पदार्थ उगते हैं, एक जीवंत संसाधन है जिसके बनने में वर्षों लगते हैं। ये तो सब लोगों को पता होगा मृदा किस तरीके से बनती है, जो ज्योग्राफी जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए, नहीं पता तो बहुत गलत बात है यार, है ना, पता होना चाहिए एटलीस्ट किस तरीके से मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तथापि ये मिनटों में नष्ट भी हो जाती है, क्षरण हो जाता है बहुत तरीके से। मृदा की जो ऊपरी परत होती है ना, वही बेसिकली उपजाऊ होती है, आपको पता होगा। नहीं पता तो फिर मैं वही बोलूंगा गलत है, अगर नहीं पता तो बहुत गलत बात है, आप लोग प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने वाले हो, है ना। प्रतिवर्ष 75 अरब बिलियन टन उर्वर मृदा क्षरण के कारण नष्ट हो जाती है, क्षरण हो जाता है उसका, ठीक है। तो 75 अरब टन के आसपास नष्ट हो जाती है, चिंताजनक है, और केवल खाद्य उत्पादकों के लिए ही नहीं, मृदा विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में रोके रख सकती है, और वायुमंडल में उन्मुक्त होने से बचा बचा के रख सकती है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का संतुलन बना रहेगा, हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित नहीं होगा, वी कैन लिव बेटर, हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहेगी। तो मृदा का देख रहे हो एक बहुत बड़ा ये भी है कारण कि ये उसको रोक के रखती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रोक के रख लेती है, तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिल जाती है हम लोगों को, ठीक है। तो अब इसके देख लेते हैं, क्या एक क्वेश्चन पूछा है हमसे, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहली क्या कह रहा है, बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है। देखो बिल्कुल ही गलत है, क्यों गलत है मैं बताता हूँ, क्या कहीं ऐसा दिया गया है, एक कारण है, देखो तुम अपने दिमाग में थोड़ा सोच सकते हो कि अरे यार ये तो कारण तो है ही, खाद्य देखो यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है, यह चिंताजनक है, और केवल खाद्य उत्पादकों के लिए ही नहीं, लेकिन समझो क्या कह रहा है, बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है। नहीं ऐसा हम कह नहीं सकते, इन्फ्लुएंस बन के नहीं आएगा इस तरीके से, ठीक है। दूसरी चीज, अभी आगे बढ़ते हैं और मैं तुम्हें कुछ और चीजें समझाऊंगा यहाँ पे, क्या कह रहा है, मृदा का क्षरण मुख्यतः मानवोद्भविक होता है, एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित जिसको कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक होता है ये भाई, कहीं पर भी कहा है क्या मानवोद्भविक, कहीं कहा है क्या हमसे एंथ्रोपोजेनिक है ये, मानव द्वारा निर्मित कृत्य है क्या ये, नहीं है, पूरे पूरे पैराग्राफ में कहीं हमसे ये बात नहीं बोली,
तो ये सेकंड है ना, ये बिल्कुल ही गलत है। और अगर सेकंड गलत है ना, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3, ये सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये करेक्ट होगा, इसकी मजबूरी है सही होना। तो दूसरा बिल्कुल भी सही नहीं है, दूसरे के बारे में तो आप बिल्कुल देखते ही निश्चय कर सकते हो। मृदा के धार, तीसरा पढ़ लेते हैं, मृदा के धारणीय प्रबंधन, धारणीय प्रबंधन जानते हो ना, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अब सस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मुझसे ये मत पूछ लेना सर सस्टेनेबल क्या होता है, अगर ये नहीं पता तो बहुत दुख की बात है भाई, है ना। इस स्टेज पे आकर अगर आपको सस्टेनेबल का मीनिंग नहीं पता है ना, धारणीय प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है, बिल्कुल यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं, और फॉलो करिए आप, और जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब हम रेगुलर लाइव ला ही रहे हैं। आप, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप लोग अगर रेगुलर इसको फॉलो कर जाओगे ना, जो हम सी सेट के करवा रहे हैं, सेटिंग सेट्स जो हम कर रहे हैं, तो आपको निश्चित फायदा होगा, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का नजरिया भी चेंज होगा, यू विल लर्न हाउ टू अप्रोच इन द एग्जाम, ठीक है। ओके भाई, धन्यवाद।